हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सब बुक डिपो के चैनल पे। चलिए तो आज आप लोगों के लिए मैं बुक का डिटेल लेकर नहीं आई हूँ, कुछ और लेकर आई हूँ, है ना। तो क्या लेकर आई हूँ ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों के ऐसे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि बुक ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं, बुक को कैसे ऑर्डर करें कुछ बताइए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो आपका उसी के ऊपर है कि बुक को ऑर्डर कैसे करें, साहो बुक डिपो में ऑर्डर प्लेस कैसे होता है ना, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जिन लोग शॉप आ जाते हैं उन लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और जिन लोग दूसरे जिले वाले हैं उन लोग कैसे बुक को ऑर्डर करेंगे वो मैं आपको इस बुक के इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने फोन का ऐप वाला पोर्शन जो होता है उसको ओपन करेंगे, जो कि आपको ऐसे दिखाएगा सारा ऐप एक साथ, है ना। इसमें से क्या करेंगे जी आप लोग, प्ले स्टोर पे, ये रहा आप लोगों का प्ले स्टोर, है ना, ये रहा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, आराम से समझिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर को आप जैसे ही ओपन करेंगे वो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है जी। वहां पर आपको ये सर्चिंग बटन दिखाई देगा, ठीक है। सर्चिंग पैनल, ये रहा आपका सर्चिंग पैनल, ऊपर टॉप में जो दिखाता है आपका वो, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सर्चिंग पैनल में साहो बुक डिपो टाइप करेंगे, ठीक है। ये देखो साहो बुक डिपो आप जैसे ही लिखेंगे आपको सेकंड नंबर पे, है ना, ये कभी कभी फर्स्ट नंबर पे भी साहो बुक डिपो शो करेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको क्या करेंगे, साहो बुक डिपो सर्च करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे। मेरे फोन में पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल दिखा रहे हैं। जैसे ही साहो बुक डिपो को आप टच करेंगे आपका ऐसे ओपन होगा, ठीक है जी। साहो बुक डिपो आप लोग जैसे ही टच करेंगे आपका वो ऐसे फोन में ओपन होगा, ठीक है। मेरे में ये पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दे रहा है और इंस्टॉल का अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आपके फोन में ये इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करेंगे वो आपका, ये देखिए यहाँ पर जो रिव्यू मिला हुआ है साहो बुक डिपो को वो भी दिखा रहा है आप लोगों का, है ना। तो चलिए आप लोग जैसे इंस्टॉल करेंगे और ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने ऐप कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है जी। ऐप आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा, सारे कैटेगरीज बैनर्स आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। ये रहा, तो जैसे आपको कोई बुक ऑर्डर करना है तो आप तो पहले ऊपर ऊपर ही पूरा देख लेंगे क्या क्या बुक सामने में दिख रहा है। अगर कोई दूसरा बुक आपको जो सामने में नहीं दिख रहा है उसको ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पर ये देखिए पूरा आपको ये दिखा रहे हैं ना, कैटेगरी ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन है ना, ये पूरा आपको बैनर पूरा शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ बाहर का तो आप देख लिया, आपको अंदर का भी देखना है कि अंदर क्या क्या चीज है। तो आप यहाँ पर के इस तीन बिंदी को, है ना, बता रही हूँ मैं आप लोगों को, आप यहाँ पर के इस तीन बिंदी को टच करेंगे, है ना। ये जो है उसको थ्री लाइन दिया हुआ है आप लोगों को, आप उसको टच करेंगे, ठीक है। जैसे ही टच करेंगे आपका ये जो पेज है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा जिसमें आपको दिखाएगा होम, चैट, कैटेगरी, ऑफर्स, है ना, बारकोड स्कैनर, ये सब जो है वो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो होम तो आप लोग होम पेज ओपन कर ही चुके हैं, ठीक है। चैट बॉक्स, आप लोग जो भी चैट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं वो आप यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। कैटेगरी, हमारे ऐप में जितने भी कैटेगरीज है वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में घुसेंगे, है ना, तो उसके बाद आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा जो भी कैटेगरी से, जैसे पहले में आपका दिखा रहा है वन रक्षक, दूसरे में दिखा रहा है महिला पर्यवेक्षक, फिर दिखा रहा है विकास परक हरिराम, है ना। तो आपको जिसमें भी घुसना है, जैसे आप महिला पर्यवेक्षक के कैटेगरी में घुस गए, ठीक है, तो महिला पर्यवेक्षक के कैटेगरी में घुसे आप तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। सारे बुक्स आपको ओपनली ऐसे दिखेंगे महिला पर्यवेक्षक के कैटेगरी में, ठीक है। आराम से समझिएगा, बहुत कुछ टफ काम नहीं है, है ना, बहुत ही सिंपल चीज है ये, ठीक। तो कुछ इस तरह से वो ओपन होगा जैसे आपको ये वाला बुक ऑर्डर करना है, महिला पर्यवेक्षक योजना चक्र का, ठीक है जी। तो आप लोग यहीं से क्या करेंगे, उसको ऐड टू कार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड आइटम करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऐड आइटम करेंगे ये आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। और उसके बाद
आपको यहाँ पर क्वांटिटी या तो कम करने के लिए ऑप्शन देगा या तो बढ़ाने के लिए ऑप्शन देगा। तो कम मिनिमम तो आप एक बुक ऑर्डर कर सकते हैं, आपको यही बुक अगर दो तीन क्वांटिटी में चाहिए तो आप प्लस करते जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर आपको वही बुक ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप प्लस करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका देखिए सिलेक्ट हो गया पूरा चीज, ठीक है जी, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, ये कुछ ऐसे दिखाएगा आपको टोटल 240 रुपए, जो कि आपको ऑफर में कितना मिलेगा, 60 रुपीस इसमें ऑफर है, जो कि आपको टोटल 180 रुपए में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको ऑर्डर करेंगे प्लेस ऑर्डर वाला, ठीक है। फिर आपका फोन में वो कुछ इस तरह से ओपन होगा जी। अब यहीं पर क्या होता है, आप लोग अटक जाते हैं, यहाँ पर क्या डालें, तो क्या डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे। ये लिखा है आपका, ये तो साफ साफ लिखा है ना फोन नंबर, इसमें ये फोन नंबर जो पहले से लिखा है ये बस आपको ऐसे डेमो दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पर फोन नंबर लिखना है। यहाँ पर आप फोन नंबर जैसे ही डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अपना फोन नंबर डाला होगा, ठीक है, जैसे ही आप फोन नंबर डालेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाएगा, प्लीज इंटर ओटीपी। जैसे आप फोन नंबर डाल के सबमिट करेंगे, है ना, फोन नंबर डालेंगे फिर सबमिट करेंगे तो वहां पर फिर आपको ओटीपी आएगा आपके फोन में, ठीक है। ओटीपी जैसे ही आएगा उसको आप ओटीपी पे, ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, और सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्लीज इंटर ओटीपी सेंड टू इस नंबर पे जो आया है, उस ओटीपी को आपको सबमिट करना है, ठीक है। देन फिर आपका फोन जो है, फोन में आपका ऐप जो है वो प्रॉपरली खुल जाएगा और आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। ज्यादातर लोग वहीं फंसते हैं जहां पर फोन नंबर मांगा गया है ना। तो फोन नंबर जहां पर मांगा गया है वहां पर आपको क्या करना है, अपना फोन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना फोन नंबर डालेंगे, है ना, वो आपको ओटीपी आएगा आपके फोन में और आपको उस ओटीपी को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा जी, होम डिलीवरी वाला, ठीक है। होम डिलीवरी वाला पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा आपका ऐप का, जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग पहले क्या सिलेक्ट किए थे, योजना चक्र का महिला पर्यवेक्षक का बुक, है ना। तो आप इसको सिलेक्ट किए, ऐड टू कार्ट किए, उसके बाद देखो ये कुछ ऐसे दिखाएगा ऐड टू कार्ट करने के बाद, ठीक है। ऐड टू कार्ट करेंगे या बाय नाउ कर सकते हैं आप लोग, जो भी आप लोगों को ठीक लगे, दोनों तो का मीनिंग तो सेम ही है आप लोगों का, है ना। चलिए, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा जी 180 रुपए का। फिर से मैं बता देती हूँ इस प्लस माइनस का मतलब, अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा करनी है तो आप प्लस करेंगे, अगर आपको क्वांटिटी एक ही रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 5 सिलेक्ट कर लिए, आपको कम करने हैं तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये पूरा करने के बाद फिर वो आपसे आपका एड्रेस मांगेंगे, ठीक है। प्लेस ऑर्डर जब आप करेंगे तो एड्रेस मांगेंगे, ठीक है, एड्रेस मांगेंगे जहां पर आपको अपना पूरा कंप्लीट नेम दिखाएगा, ठीक है, कंप्लीट नेम दिखाएगा। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, पूरा फिल करना है आपको। आप कैसे कैसे फिल करेंगे वो भी बता देती हूँ आप लोग। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग केवल अपना नाम लिख देते हैं और शहर, कई कई लोग तो भूल ही जाते हैं लिखना, डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखना आप लोग भूल ही जाते हो। तो कैसे ऑर्डर जब आप लोग प्लेस करोगे तो एड्रेस कैसे लिखोगे वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। जब आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नेम, तो आप नाम लिखेंगे अपना, ठीक है, कंप्लीट नाम लिखेंगे। देखिए आप लोग अगर केवल नेहा, स्वाति, है ना, सुरेश, रमेश, ऐसे कुछ आप लोगों का जो भी नाम है, है ना, जो भी नाम है वो आप लोग केवल अपना नाम बस लिख देंगे ना, तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपको केवल आदमी आपके आपके एरिया में, हो सकते हैं कि सीमा नाम से कोई दो लड़की हो, है ना, तो अब कौन सी सीमा है जी, ये दिक्कत होगा ना। तो अगर आप प्रॉपर उसमें लिख सकते हैं सीमा अग्रवाल, सीमा भारद्वाज, आपके सरनेम के साथ, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल नाम से भी चलता है लेकिन क्या है, सरनेम वगैरह रहता है, आप जितना कर सकते हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे ना। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर केवल अपना विलेज लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, तहसील लिखेंगे, है ना, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऐसे लिख देते हैं आप लोग। फिर आप लोग लास्ट में पिन कोड डाल देते हैं,
तो जी आप मेरे को एक बात बताइए, आप लोग अपना विलेज लिख दिए जो भी है, ठीक है, पोस्ट भी लिख दिए, ठीक है चलेगा, तहसील लिख दिए वो भी चल जाएगा, ब्लॉक लिख दिए वो भी चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना ही लिखना है, डिस्ट्रिक्ट नहीं भूलना है आप लोगों को, पिन कोड लिख दिए, पिन कोड तो बहुत जरूरी होता है ना, तो जी ठीक है आप लोग इतना लिख दिए। मान लो आप लोग बोले कि आपका तहसील जो भी है ना, जो भी रहे नागरी नागरी तहसील है मान लो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आप लोग क्या लिख दिए, धमतरी, ठीक है, नागरी आपका तहसील है और डिस्ट्रिक्ट में लिख दिया आप लोग धमतरी, ठीक है मैं धमतरी पहुंच गई, आप लोग समझिएगा मैं धमतरी पहुंच गई, ठीक है, अब धमतरी में मैं तहसील नागरी में भी पहुंच गई, अब क्या करें, कुछ तो आसपास का, आपके घर के आसपास अगर कोई पप्पू दुकान है, कोई किराना स्टोर है, उसका एड्रेस दे दीजिए। अब अगर नागरी में जाके पोस्टमैन खड़ा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, नागरी में जाके पोस्टमैन खड़ा है और अगर वो पूछेगा स्वाति अग्रवाल का घर कौन सा है, अब जरूरी नहीं है ना जी कि आपको हर कोई जानता हो या केवल स्वाति नाम ले तो कैसे पहचान जाएंगे, हो सकता है उस एरिया में चार पांच स्वाति हो, है ना, तो अगर आप प्रॉपर बता दें कि आपके घर के पास ये मंदिर है या वार्ड नंबर आपका ये है ना, या फिर ये किराने दुकान के पास में आपका घर है, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, जिन लोग केवल ऐसे लिखते हैं उन लोगों को ऑर्डर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, क्या है, पोस्टमैन को अगर आपका एड्रेस प्रॉपर मिल गया तब तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो एक दो दिन लेट हो जाता है उस चक्कर में, ठीक है। उसके बाद मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉपर सिटी का ऑप्शन देता है, आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है ना, आप लोग जिस भी जिले के हैं आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे उसको, फिर सिलेक्ट स्टेट बोल रहे हैं, मतलब अपने राज्य को स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे। आप एक चीज और बता देती हूँ जी मैं, ठीक है, पिन कोड आप लोग सोच समझ के तहकीकात करके ही डालेंगे, ये नहीं कि आप लोग गूगल में सर्च किए है ना और जो भी आया उसको डाल दिए, कभी कभी गूगल में भी पिन कोड गलत आ जाता है ना, जो भी आपका पिन कोड है अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि हमारा पिन कोड यही है, तब जाके आप फिर वहां पर पिन कोड को डालिए, क्या एक दो डिजिट भी अगर ऊपर नीचे होता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, देन आपको फोन नंबर डालना है, फिर क्या करेंगे, जैसे आपको मैं पूरा बताई, देखो सेम टू सेम मैं ऐसे फील की हूँ, नेम में आपका डाल दिए स्वाति, अपना कंप्लीट एड्रेस में क्या डाल दी, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज साहू बुक डिपो कोरबा, ठीक है, फिर सिटी में डाल दिए कोरबा, स्टेट छत्तीसगढ़, मैं अपना बता रही हूँ ना, आप लोगों को अपना डालना है, ठीक है, पिन कोड, कंट्री, फोन नंबर, ठीक है। वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर उस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एडिट का ऑप्शन देगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग एड्रेस पूरा कंप्लीट फिल कर लिए जी, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट, आपको ये ऑर्डर करना है, ठीक है। सब टोटल आपको पूरा बता देगा, टोटल हुए 240, ऑफर डिस्काउंट है 60 रुपए, डिलीवरी आपका फ्री रहेगा, टोटल अमाउंट 180 रुपए। अब उसके बाद आपको लास्ट में क्या ऑप्शन देते हैं, पेमेंट का मेथड है ना, पेमेंट का मेथड देते हैं, पेमेंट मोड लिखा है आप लोगों का, ठीक है। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, पेमेंट नहीं हो रहे है ना, या फिर कैसे पेमेंट करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है अकाउंट डिटेल, यूपीआई वॉलेट, ये इससे कर सकते हैं आप लोग, यूपीआई से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो कोई बहुत, जिन लोग पहले से इंस्टॉल किए, मैं उन लोग को इंस्टॉल नहीं किए, उन लोग का शुरू से प्रोसेस बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिन लोग इंस्टॉल कर लिए उन लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिन लोग नहीं किए हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग जैसे उसको पूरा सिलेक्ट किए, देन फिर आपका ये पूरा आपको जैसे आप यूपीआई में क्लिक किए, ठीक है, तो इस तरह से कुछ ओपन होगा। आर यू श्योर यू वांट टू यूज दिस पेमेंट मोड, आपको यस करना है, ठीक है। और जैसे ही आप यस करेंगे,
आपका यहाँ पर ऑप्शन देगा फोन पे पेटीएम जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे आप फोन पे को क्लिक करेंगे देन आप पे करेंगे तो आपका ये पूरा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही पे करेंगे आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे वो बता देते, ये आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का कि आप लोग ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे, है ना, डाउनलोड करके उसको कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज आप लोगों को करना है। अब आप लोग को मैं बताती हूँ कि आप लोग ऑर्डर करते वक्त क्या मिस्टेक करते हैं, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप लोग ऑर्डर करते हैं, जैसे ही ऑर्डर करेंगे अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अब हमारे यहाँ टोटल दो नंबर चलते हैं। ठीक है जी, एक आपका हो गया 748 वाला, 748-99-999-39, एक ये नंबर आपको ऐप में मिला हुआ है, और एक नंबर है आपका 84 समथिंग करके है आपका 647। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप लोग ऐप में ऑर्डर करते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट करके एक यहाँ भी सेंड कर देते हैं और एक यहाँ भी सेंड कर देते हैं। बाय द वे, अगर आपका ऑर्डर जो है दो बार नोट हो गया या नोट होने से छूट गया है ना, तो दिक्कत होगा जी, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग ऐप से डायरेक्ट ऑर्डर किए ठीक है तो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा आपका, और अगर QR कोड स्कैन किए तो आप लोग को वहां पर स्कैन करने का ऑप्शन भी देगा, और दूसरा अगर नहीं कर पाए आप लोग तो जो स्क्रीनशॉट रहते हैं ना उसको 748 वाले नंबर पे आप लोग भेज देंगे। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं वो मैं दिखा रही हूँ, जैसे ही आप लोग QR कोड स्कैन करते हैं आप लोग कुछ ऐसा अपलोड कर देते हैं, वहां पर आप लोगों के लिए लिखा गया है कि पेमेंट के बाद जो सक्सेसफुल वाला आप लोग का स्क्रीनशॉट है ना आपको उसको अपलोड करना है। आप लोग क्या करते हैं सीधा स्कैनर ले जाके वहां पर रख देते हैं, तो स्कैनर का हम क्या करेंगे, है ना, स्कैनर का क्या करेंगे, आपका QR कोड जो है वो हमारे काम का नहीं है, वो आपके काम का है, आपको उसमें पेमेंट करना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ये अपलोड नहीं करना है, वो तो हमारे पास भी है ना। आप लोगों को क्या अपलोड करना है, आप लोग जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका ये कुछ ऐसे दिखाएगा, आपको इसको अपलोड करना है। बाय द वे, आप लोग देखिए अगर केवल इसको अपलोड किए हैं आपका पेमेंट नहीं कटता है, आपका ऑर्डर क्या होता है कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब आपका पेमेंट आया है या नहीं आया ये मैच करने में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता है जी, तो 2-3 दिन तो आपका यहीं से पर मार खा जाता है। उससे अच्छा है कि आप लोग जब पेमेंट करेंगे स्कैन के थ्रू है ना, तब आप लोग वहां पर इसको अपलोड कर दें जहां पर आपको सक्सेसफुल वाला चीज दिखा रहा है। समझ गए आप लोग, ठीक है, ये रहा आप लोगों का पेमेंट का मेथड। इसमें पूरा आप लोग को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता है आप लोग क्या बोलते हैं कि मैडम ऑर्डर तो हो गया है लेकिन वो डिस्पैच दिखा ही नहीं रहे हर आधे घंटे में, तो आप लोग ही सोचिए आप लोग जब ऑर्डर किए हैं है ना, आप लोग जब ऑर्डर किए हैं बुक को आधे घंटे हुए तो आधे घंटे में आपको ट्रैकिंग आईडी कहाँ से मिलेगा, है ना, टाइम तो लगता है ना जी। हम आपको हर वीडियो में बोल रहे हैं कि आपका जो बुक है पार्सल है वो 24 घंटे के अंदर डिस्पैच होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अगर डिस्पैच नहीं होता है तब फिर आप कॉल करके पूछिए कि डिस्पैच क्यों नहीं हुए, हम आपको रिप्लाई देंगे। आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिख के डाल सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को मैं बता दूं, जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, ठीक है जी, कंफर्म होता है 24 घंटे के अंदर डिस्पैच हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज जो होता है वो ऐप में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है बट वो अपडेट नहीं हो पाता है ना, तो उस कंडीशन में आपको हमारे टीम के तरफ से कॉल आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा जो भी समस्या हो रही है उसको। ठीक है, अगर देखिए आप लोग को लगता है कि साहू बुक डिपो में पैसे लेते हैं लेकिन फिर डिस्पैच करने में देरी करते हैं, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है जी, आप लोगों से ऐसे अगर पैसे लिए हैं हमने है ना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कोई भी समस्या आप तुरंत बोलिए, जब तक डिस्पैच नहीं हुए हैं तब तक आप ऑर्डर कैंसिल करने का हक रखते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार अगर डिस्पैच हो गया तो फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ,
ठीक है, आप लोग क्या करेंगे अगर डिस्पैच नहीं हुए तब की फिर इस स्थिति में आप हमको कॉल करिए कि देरी हो रही है तो रिफंड चाहिए या जो भी है, ठीक है, या फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट चेंज करना है तो आप हमको कॉल या चैट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप लोग क्या बोलते हैं कि आप ऑर्डर को डिस्पैच तो कर दिए लेकिन ट्रैकिंग आईडी दिए नहीं है, तो ट्रैकिंग आईडी आप लोगों को मिलता ही है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी नहीं दिया गया हो। कहाँ पर दिया जाता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब आप लोग को ऑर्डर डिस्पैच होता है आप लोग चैट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स को जैसे ही ओपन करेंगे आप लोग, है ना, तो आपको कुछ इस तरह का चीज दिखाई देगा, ठीक है, जहां पर आपको लिखाया जाएगा योर ऑर्डर इज डिस्पैच्ड, ऑर्डर आईडी दिखाया जाएगा आपका, व्यू ऑर्डर आपका ऑप्शन देगा, है ना। ये डिस्पैच्ड का आपको क्या दिया, मैसेज दिया, यहाँ तक क्लियर है। उसके जस्ट नीचे में आपको एक मैसेज आएगा योर कंसिगमेंट नंबर इज RC361 ऐसे करके आप लोगों का रहेगा। तो ये जो चीज है आप लोगों का मैं बता रही हूँ, ये जो चीज है ना, ये आप लोगों को चैट बॉक्स में जो मिला है यही आपका ट्रैकिंग नंबर है जी, ठीक है। हमारे ऐप में जब अपना ऑर्डर स्टेटस देखेंगे आप तो आपको एक पहले दिखाएगा प्लेस ऑर्डर, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे कंफर्म, जैसे ही हमारे तरफ से बुक निकल जाएगा आप लोगों का क्या दिखाएगा, डिस्पैच, ठीक है। और जैसे ही आपको मिला आप हमको इन्फॉर्म करेंगे तुरंत यहाँ पर डिलीवर्ड हो जाएगा जी, है ना। ये चार स्टेप दिखाते हैं, इसके बीच का स्टेप आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो बीच का स्टेप आप कहाँ से देखेंगे, उसके लिए आपको ये दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपका ट्रैकिंग नंबर आप लोगों को दिया गया है, आप लोग यहाँ से ट्रैक करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ट्रैक कैसे करें, तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को दिया हुआ है। ये रहा आप लोगों का ट्रैकिंग वाले वीडियो का लिंक, ठीक है। सब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग केवल डिस्पैच वाला मैसेज देखेंगे, नीचे में ट्रैकिंग आईडी मिला है नहीं मिला है आप लोगों को मतलब ही नहीं रहता है ना। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। देखिए थोड़ा बहुत अगर हम कर रहे हैं, अगर इतना ज्यादा हम कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा तो कॉपरेट कर ही सकते हैं, है ना, उस चीज को। तो आप लोग का ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ, उसके नंबर उसके नीचे में आप लोगों को ये लिंक भी दिया जाता है। लिंक क्या चीज का है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि आप लोगों से ट्रैक ही नहीं हो रहा है, कैसे करते हैं नहीं पता, तो वो हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं, है ना। ये रहा आप लोगों के उस वीडियो का लिंक। इस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे, हमारे जो सर हैं वो आपको उस लिंक में बताए हैं कि ट्रैक कैसे करते हैं पार्सल को, है ना। तो आप लोग उसको चीज को देखेंगे, ठीक है, ट्रैक कैसे करते हैं, देन फिर आप लोग उस चीज को सीख के ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आता है, अगर कंसाइनमेंट नॉट डिटेल्स नॉट फाउंड दिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर लो है जी, है ना। आप लोग एकदम सूझ बूझ के साथ उस चीज को करिए, है ना, बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा चीज है। इसको कोई भी आप लोग, जैसे आप लोग दूसरे जगह से ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग इतने कंफ्यूज नहीं होते होंगे, लेकिन ये पढ़ाई वाला चीज है, बुक शॉपिंग करना, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग QR कोड आप लोग अपलोड मत ही करिए, उसमें आप ही लोगों का नुकसान है। QR कोड आप लोग अपलोड करके कर ही क्या लेंगे, है ना, वो तो QR कोड में अगर पेमेंट हुआ है तब भी आपका वो कंफर्म दिखाएगा, नहीं हुआ है तब भी कंफर्म दिखाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये सब आप लोगों का प्रोसेस है जी। अब एक चीज ये आप लोग बोलते हैं कि 4 दिन हो गया आप लोगों को बुक नहीं मिले हैं, 5 दिन हो गया बुक नहीं मिले हैं, है ना। आपको एक बात बता दूं मैं, जिन लोगों का एड्रेस एकदम क्लियर कट एकदम वो रहता है ना, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में कि इस दुकान के बगल में वार्ड नंबर ये है, मोहल्ला नंबर ये है, 4 दिन में आप लोगों को वो चीज डिलीवर्ड हो जाता है। 5वां दिन कब लगता है, अगर बीच में सैटरडे या संडे पड़ रहे हैं, है ना, सरकारी छुट्टी जब रहता है तब आपको 1-2 दिन लेट हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे आप लोग बिलासपुर के हैं तो हमारा जो पार्सल है वो जो कोरबा से निकलता है, कोरबा के हेड ऑफिस से, है ना, जैसे वो सुबह यहाँ हम लोग पोस्ट ऑफिस में गए उसको पार्सल करने के लिए, ठीक है, कोरबा में, देन वो शाम को यहाँ से फिर बिलासपुर पहुंच जाता है बिलासपुर के हेड ऑफिस में, ठीक है। अब आपका जिला आप लिख दिए बिलासपुर, समझिएगा मैं आप लोगों को क्या बोली, कोरबा से पहले जाता है बिलासपुर। आप लोगों का अगर जगह है सीपत, मैं बस आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग रहने वाले हो सीपत के,
ठीक है, भले ही आपका जिला बिलासपुर है जी, लेकिन आपका गांव प्रॉपर बिलासपुर में तो नहीं है, बिलासपुर से थोड़ा दूर है सीपत में, समझिएगा आप लोग, है ना, बिलासपुर से दूर है सीपत में। तो जरूरी तो नहीं है कि बिलासपुर के हेड ऑफिस में आ गया तो आपको उसी दिन सीपत में डिलीवर हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो थोड़ा बहुत अगर वहां के जो पोस्टमैन है उन लोग का सर्विस ज्यादा अच्छा है तो उन लोग उसी दिन डिलीवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जा रहा है तो बहुत बड़ा चीज नहीं है जी, है ना, आप लोग को थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर ये बिलासपुर में पहुंच गया पहले दिन, ठीक है, दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस जैसे ही हो ओपन होगा आप लोगों का, ठीक है, कार्यवाही आप लोगों की शुरू होगी, कहाँ से कहाँ ये जाएगा, कौन से बीओ में जाएगा, ठीक है, टीएमएस में जाता है, फिर आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ के पोस्ट ऑफिस में जैसे ही आएगा आपको कॉल किया जाएगा कि आपका एड्रेस पूछने के लिए, अगर उनको नहीं पता है तब, ठीक है, अगर पता है तो क्या दिक्कत है, काहे कॉल करेंगे लोग, है ना। तो आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से ऑर्डर करिए आप लोग, ठीक है, जैसे भी बन रहा है आप लोगों से, और अगर कोई दिक्कत आता है तो बिल्कुल आप लोग कॉल करिए, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं छो रहे हैं, ट्राई करिए, उसी के लिए तो अभी वीडियो को बनाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आराम से आप लोग ऑर्डर करिए, ठीक है, आज आप लोगों के लिए वीडियो लाया गया है ताकि आप लोग उस चीज को सीखें, जो मिस्टेक हो रहा है उसको खत्म करें, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में तो इतना ही, आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डेली आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।